बिलासपुर नगर निगम के इंजीनियर के ऊपर हमला करने वाले दो आरोपी को पकड़ने में बिलासपुर पुलिस ने सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है इस घटना का मुख्य आरोपी अभी तक फरार चल रहा है, जिसे पुलिस जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। बिलासपुर के सिटी एसपी ओपी शर्मा ने मामला का खुलासा करते हुए बताया कि 18 जून के सुबह रिंग रोड में साइकिल में घूमने निकले नगर निगम के इंजीनियर पी के पंचायती के ऊपर तीन लोग मोटरसाइकिल में सवार होकर मारपीट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। मारपीट में नगर निगम इंजीनियर को नाक और चेहरे में चोट आई थी। इस घटना की जानकारी लगते ही मौके पर सिविल लाइन पुलिस पहुंचकर आरोपियों की पतासाजी में जुट गई थी। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने उस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन आरोपियों की पहचान की, जिसके बाद इनके बारे में पता चला कि ये सभी लोग सकरी के हैजहा पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई करते हुए आरोपियों के घर में दबिश डाली, जहां से दो आरोपी हाथ लगे, जिसमें एक विपिन उर्फ बिट्टू विश्वकर्मा पिता अरुण विश्वकर्मा, दूसरा अमर साहू पिता शिव कुमार साहू को पुलिस हिरासत में लेकर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। वहीं इस घटना का मुख्य आरोपी विक्की पांडे अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। इंजीनियर है पीके पंचायती, जो 8 बजे साइकिलिंग के लिए निकले थे, इसी दौरान 3 हजार व्यक्ति मोटरसाइकिल में आए और इन्हें पीके पंचायती को दोस्तों से मारपीट की थी और उनके पंचायती जो साइकिल से चल रहे थे उसको उठाकर उनके सर पे चेहरे पे मार दिया था, जिससे उनके नाक भी उनका क्षतिग्रस्त हुआ था। जिस पर सिविल लाइन थाने में अपराध दर्ज कर सूचना की जाए थी। घटना की सूचना मिलते ही अपने स्तर पर पुलिस अधीक्षक उदय सोहन पहुँचे और जितने भी सिविल लाइन थाना प्रभारी साथ में CSP कोतवाली CSP सिविल लाइन के साथ साथ साइबर की टीम को भी इस अपराध को जल्द से जल्द निकालने के लिए निर्देशित किया गया। योजना के दौरान पुलिस टीम द्वारा सभी बिंदुओं पे जांच की जा रही थी मैनुअल, क्योंकि प्रारंभ में यह घटना पूरी तरह ब्लाइंड था, क्योंकि प्रार्थी द्वारा भी आरोपी की पहचान करने में असमर्थता जाहिर की गई थी और कुछ हमें महत्वपूर्ण जानकारी भी नहीं मिल पाई थी। इस एरिया में एक छोटा सा CCTV फुटेज जरूर पुलिस को प्राप्त हुआ था, उसी फुटेज के आधार पर जो सक्रिय है सक्री अमेरी जारावाटा सभी क्षेत्रों में हमारी पुलिस टीम द्वारा लोगों से पूछताछ की गई। उस आधार पर इसी पूछताछ के दौरान अचानक पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि उसी प्रकार का व्यक्ति और एक मोटरसाइकिल एक व्यक्ति के पास अमेरी में सक्री में रखा हुआ है, जिसकी सूचना पर पुलिस पार्टी वहाँ गई और उसके निशानदेही पर ये मोटरसाइकिल बरामद किया गया और ये बिट्टू से यह मोटरसाइकिल बरामद किया गया। फिर बिट्टू से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और साथ में अपने एक और सहपाठी अमर साहू, जो खुद वो भी खुद सक्री का रहने वाला है, उसको भी उसके निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया गया है। इनके द्वारा बताया गया कि इनके साथ विक्की पांडे, जो इसका मुख्य आरोपी, जो भी पुलिस को अभी तक नहीं मिला है, इन दोनों को अपने साथ लेके आया और ये घटनाकारी की थी। विक्की पांडे करता कैसे? विक्की पांडे अभी फरार है। विक्की पांडे का पूर्व रिकॉर्ड है, कुछ दिनों पहले ये 307 के अपराध में जेल में बंद था, करीब डेढ़ दो महीने पहले वो जेल से छुटा हुआ है और ये गिरफ्तार आरोपी है बिट्टू। इससे जो अपनी इसने जो घटना घटित की थी मोटरसाइकिल, उससे भी बरामद कर लिया गया है। ये मोटरसाइकिल अपने घर में जो पैरावल के नीचे दबा के रखा हुआ है। कारण क्या है? ये विपिन और अमर साहू की भी गिरफ्तारी हुई है, इनके द्वारा भी स्पष्ट नहीं बताया जा सकता है। ये इनने विक्की पांडे जो इनको लेके आया था, इनके द्वारा जब तक विक्की पांडे अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, विक्की पांडे की गिरफ्तारी के बाद ही इसकी और कोई ठेकेदार यहाँ ये कोई ऐसा लग रहा है क्या कि इनको भेजा गया हो मारने के लिए? उनको ये दोनों गिरफ्तार आरोपी इस संबंध में कुछ नहीं बता पा रहे हैं। जब तक विक्की पांडे पुलिस की गिरफ्त नहीं आते, पुलिस उसकी पूछताछ कर ही आगे है। और धन्यवाद। बिलासपुर से अजित मिश्रा की रिपोर्ट, ACN 24।